गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। अपना वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है, सो मैक्सिमम लीडर्स अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। वही लीडर्स जो अपने घर पे बैठे हैं, जिनके पास खुद का घर है, कोई भी हो सकता है। सुबह सुबह बहुत सारे लोग घर के बाहर होते हैं, ओके अब इसको स्टॉप करना पड़ेगा नहीं तो सर्कस शुरू हो जाएगा। थॉमस सर आप हैंड रेस कर सकते हैं, अपने कौन से डिवाइस से ज्वाइन किया है। ओके थॉमस सर ग्रेट मॉर्निंग, आपको आवाज आ रही तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज अभी कौन से सिटी में आप? अभी मेघालय पहुंचने वाले हम लोग। ओ अच्छा, ऑन द वे। मैं बहुत दिनों से जूम पे नहीं था, मैंने कहा एक बार अपडेशन ले लेते हैं। मैं आज सुनूंगा सर सिर्फ। ओके ओके अभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं? वीडियो, हाँ जी वीडियो ऑफ रहेगा। ओके नो प्रॉब्लम। तो थॉमस सर अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे हैं। आज शिलोंग के अंदर ट्रेनिंग सेशन है। पिछले 5 दिन से नॉर्थ ईस्ट के अंदर दिमापुर से हमने स्टार्ट किया, जो नागालैंड स्टेट का कैपिटल है। फिर दिमापुर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से मणिपुर जो मिजोरम का कैपिटल है, और आज मेघालय का कैपिटल शिलोंग। इस तरह से पिछले 5 दिन से पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर थॉमस सर लगातार ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं और एक बहुत जबरदस्त कम्युनिटी बिल्ड हो गई पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो जितने भी नए पॉकेट्स है जहां पे अभी, आज हम उनके साथ सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल चीजों के ऊपर चलेंगे आगे। कितने लीडर्स है जिन्होंने जड़ का रैंक क्वालिफाई किया है? ओके सो आपने अगर जड़ का रैंक क्वालिफाई किया है तो आपको आपके नाम के सामने एडिट नेम में जाके वहां पे अपना रैंक लिखना है। और कुछ लोग रैंक का स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो आपको क्या करना है, बाकी दूसरे लोगों को चेक करना है कि उन्होंने सेम रैंक का नाम क्या लिखा है। कोई अंबर है, कोई जड़ है, कोई पर्ल है, सफायर है। क्योंकि ये भी एक अच्छी आदत है कि हम उसको करेक्शन कर सकते हैं, स्पेलिंग हमें सही लिखना जरूरी है। तो आप दूसरे का देख सकते हैं, बहुत सारे हजार लोग डैशबोर्ड के ऊपर है, कई सारे लोगों के पास सेम रैंक है। आप सफायर है तो बहुत सारे लीडर्स का सफायर रैंक होगा, आप जेड है तो बहुत सारे लीडर्स का जेड रैंक होगा। किसी का रैंक आईफोन है, उन्होंने हैंड रेज किया है तो आप उसको हटा दो, सबको पता है आपके पास आईफोन है, तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। मनोज कुमार आपने हैंड रेस किया है, पूरन लाल जी आपने हैंड रेस किया है, आप अपना रैंक लिख सकते हैं उसके आगे एडिट नेम। हेलो सर जी, हाँ जी, छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ टर्बो के ऊपर? नहीं बाद में पूछेंगे, अभी नहीं। ठीक है सर, ओके थैंक यू। धर्म प्रकाश जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर मैं यूपी में बोल रहा हूँ, हापुड़ से। ओके और आपने कभी ज्वाइन किया था इस प्लेटफॉर्म को? सर मुझे अभी 15 दिन के जस्ट 15 दिन हुआ है मुझे भी। तो
अच्छा जस्ट 15 दिन हुए, 15 दिन के अंदर आपने जेड का रैंक क्वालिफाई किया। जी सर। ओके ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। जी सर। तो आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को कितने समय से समझते हैं? सर मैं तो अभी 15 दिन के अभी स्टार्ट किया है मैंने। मैंने पहले जूम मीटिंग अटेंड किया था आपका जो है, और मैं आपसे काफी चीज सीखा हूँ। मैं जूम मीटिंग जो पर डे अटेंड कर रहा हूँ, मुझे पुरानी जूम मीटिंग है वो मैं सारी यूट्यूब से जो सारी मैं फॉलो कर रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ और सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पर आकर के। मैं अभी दिल्ली में जो उमराव होटल में मीटिंग था, वो ट्रेनिंग था, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। ओह ग्रेट जी। और मेरा इन फ्यूचर मतलब यही है कि मैं मतलब मैक्सिमम एफर्ट यही लगाऊंगा कि मैं जो भी मुझे यहाँ पे कॉइन मिलेगा तो मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के, अपने फ्यूचर के लिए मैं उसको जो होल्ड पे रखूंगा या उसको फिर मैं दोबारा से जो है। ये होता है विजन, धर्म प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम सब लोग। धर्म प्रकाश जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कितने सालों से समझते हैं? आपका पहले आपका क्या, आपका प्रोफेशन क्या, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? हाँ सर, मैं पहले एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर था, और उसके बाद में मैंने जो है अपने घर पे एक दुकान चलाता था परचून किराने का। ओके। तो पहले मैं जो कई संस्थाओं में गया, कई कंपनियों में मैंने काम किया, तो वहां पे वो 420 धोखाधड़ी कई जगह में जाके फंसा बहुत। जैसे आपने बताया था, मैं आपको भी सुना है, कई लोगों को सुना है। तो मेरी जिंदगी में ऐसा समय आया वो मैं उसके विषय में अभी तो आपको नहीं बात कर पाऊंगा। मैं पिछले 15 दिन के अंदर, 15 दिन से पहले जो है मैं 11 लाख के कर्जे में आ चुका था। ओके। और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कुछ भी करने के लिए, लेकिन मैंने आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी बातें सुनी और मैंने देखा कि भाई एक बंदा इतने बड़े स्तर पे जाके काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने कमिटमेंट किया कि नहीं, मुझे यही जो 30 तारीख आ रहा है इसके अंदर ही जेड जो है ये जो रैंक क्वालिफाई करना है, मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं पिछले 7 दिन के अंदर कमरे के अंदर बंद रहा और ये तपस्या मतलब ये पूरा प्रण किया कि मैं कुछ भी करूंगा। मैंने जितने भी रिश्तेदार थे, मेरे मित्र वगैरह थे, सब लोगों से मैंने हेल्प किया, जो भी मैंने उनको किया था, तो उनसे पूरा एफर्ट लगाया। तो ये मैंने मान के चला, मैंने लोगों को 1-1 लाख 2-2 लाख का हेल्प किया, लेकिन मुझे एक किसी भी व्यक्ति ने 1000 रुपए का हेल्प करने के बारे में कभी नहीं मतलब सोचा मुझे। जब आपको कोई चैलेंजेस आए फाइनेंशियली? जी। Okay. लेकिन मेरा कमिटमेंट था कि मैं यदि मैं पॉजिटिव वे के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता निश्चित मिलेगी। दुनिया में जो है ये प्रकृति जो उसको हेल्प करती है जो अधिक पॉजिटिव वे के साथ में आगे बढ़ना चाहता है। राइट। तो मैं लगा रहा, मैं जूम मीटिंग भी दोनों टाइम। आपका थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। धर्म प्रकाश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का इश्यू होगा। अभी जूम के अंदर 1000 लोग हैं और किसी का नेटवर्क का इश्यू होता है और वो एग्जिट हो जाते तो दोबारा उनको मौका नहीं मिलता जूम को ज्वाइन करने का। और ये चैलेंज उन्हीं के साथ होता है जो मोबाइल के ऊपर जूम जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि जब आप मोबाइल पे जूम ज्वाइन करते हैं तो आपके मोबाइल पे कोई बीच में कॉल आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप एग्जिट हो जाते हो, राइट। लेकिन आपने अगर मान लो आईपैड टैब या लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया जूम को और मोबाइल का हॉटस्पॉट आप यूज करते हो, तो फिर आपके मोबाइल पे फोन आने से आपका आईपैड या टैब कभी भी जूम से एग्जिट नहीं होता है। लेकिन अगर सेम गैजेट के ऊपर हम जूम ओपन करते हैं और बीच में किसी का कॉल आ जाता है तो आप एग्जिट हो जाते हो और दोबारा फिर ज्वाइन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1000 लोग ऑलरेडी जूम में आ चुके हैं। तो इसलिए ये कोशिश करनी हम सबको कि हमें अपना एक आईपैड या एक टैब या एक लैपटॉप जूम के लिए कंपल्सरी यूज करना जरूरी है।
बजरंग सिंह जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कौन से सिटी से बोल रहे हैं आप? हम जोधपुर से बोल रहे हैं। ओके ग्रेट, कब ज्वाइन किया आपने इस प्लेटफॉर्म को? 15 दिन हो गया सर मुझे। 15 दिन हो गया। आप अपने बारे में बताइए, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को कब से जानते हैं, आप क्या करते, जॉब करते, बिजनेस करते? मैं आरटीओबीएस में जॉब कर रहा हूँ 10 सालों से। ओके, यथा सलाहकार हूँ। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म आपने जब ज्वाइन किया तो इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस आपका? नहीं, मैं दोलेरा में कर रहा था सर साल भर से। प्रॉपर्टी के अंदर? हाँ जी। ओके, तो उसमें प्लॉटिंग के लिए आप काम करते थे? नहीं, वो दोलेरा में इन्वेस्ट होता ना सर। उसके बारे में। दोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आपने किस में किया? रियल एस्टेट में किया ना? रियल है ना, वो हफ्ते हफ्ते पैसे आ रहे हैं वहां से। नहीं, आपने वहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया? प्रॉपर्टी में मैंने वो रजिस्ट्री तो नहीं करी, लेकिन वो पैसे जमा करा और वहां से हफ्ते हफ्ते वापस रिटर्न आता है। वो पैसे जमा करने पे पैसे रिटर्न आते, वो तो आपका पर्सनल पार्ट है। ठीक है, यहाँ जोधपुर में मेरे भरत सिंह जी है। हाँ हाँ, तो आपने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किया क्या पहले, नेटवर्क मार्केटिंग का? आप अनम्यूट हो गए शायद, अब क्या हो रहा है ये? बजरंग सिंह जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ये मैक्सिमम लोग मोबाइल पे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ सर, अभी क्या सर, मैं 15 दिन हुए मेरे ज्वाइन हुए। ओके, बीच में फोन आ रहा है, इसके वजह से हो रहा है। राइट, बराबर है। अभी सर मैंने इसको 4-5 दिन के अंदर तो समझा, फिर ये मीटिंग ज्वाइन करने के बाद में मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया और 5 दिन में मैंने वो जेड का क्वालिफिकेशन कर दिया। ओके, तो 5 दिन में आपने कितने लोगों के अकाउंट बनाए? 5 दिन में मैंने हो गए लगभग 32 लोग हो गए सर। परल का भी अब मेरा पूरा हो गया सर आज। ओके, तो 32 में डायरेक्ट अकाउंट कितने हैं आपके? मेरे डायरेक्ट अकाउंट 7 है। 7 डायरेक्ट है और टोटल टीम में 32 अकाउंट्स है। हाँ, यानी लगभग आप पर्ल के रैंक तक आप पहुंच गए होंगे अभी। हाँ, परल हो गया सर। राइट, तो इसमें जो अकाउंट्स है वो लगभग कौन से पैकेज में ज्यादा है? 110 का पैकेज है, 250 का है, 500 का है, 1000 का है, ज्यादा पैकेजेस कौन से? मैंने सर स्टार्टिंग में 110 वाले ही ज्यादा समझा था, 110 वाले एक बार लोग आ रहे थे तो वैसे मेरी बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, फिर भी मैंने लोगों का नहीं, आप 110 का ही पैकेट ले, आप पहले एक बार देखो मेरे पास। आपका बैकग्राउंड मजबूत का मतलब आपका फेस वैल्यू मार्केट में अच्छा है, आप चाहे तो लोगों के बड़े अकाउंट्स लगा बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाए। नहीं बनाए, मैंने कम बनाए थे, 2-3 अकाउंट भी ले मैंने लास्ट में स्टार्ट कर दिया, लोगों ने ज्यादा मेरे को बोलने लगे तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 5-5 लाख के 2 अकाउंट अभी ये टर्बो की वजह से बनाया था। मैंने उन्होंने सामने से आपको रिस्पांस दिया कि हम इंटरेस्टेड है, आपने किसको दिया तो नहीं किया? बहुत बढ़िया, तो मेरे अपलाइन है भरत सिंह जी है, इंदा साहब, तो उन्होंने मेरे को बहुत मजबूत गाइड किया, बोला पैसे का नाम किसी से लेना ही नहीं है और आपको डायरेक्ट जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है पहले मेरे पास लाओ, मैं उनको समझाऊंगा क्यों आप बिल्कुल नए हो इसमें। राइट, तो मैं सर के पास लाता हूँ, सर पूरे गाइड करते हैं और पूरा क्लियर करते हैं कि ऐसा ऐसा सब कुछ ऊपर नीचे मार्केट और हर चीज के बारे में बताते हैं और मेरे को उसके डायरेक्ट पार्टी से मेरे को अलग कर देते हैं वो। ओके, बजरंग सिंह को आप बिल्कुल जानते नहीं हो, ये मार्केट है, ये आपको समझ में आता है तो पैसे डाल। ओके, तो ये 32 लोगों के जब आपने अकाउंट बनाए, 32 में से किसी का भी मिंटिंग आया नहीं क्योंकि आपने 15 दिन पहले काम स्टार्ट किया? नहीं आया सर। तो ये मार्केट को देखते होंगे, वॉलेट के अंदर जाके घुस घुस कर देखते होंगे, कॉइन का रेट नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उनके किसी के फोन आते हैं क्या आपको? नहीं आया अभी तक, तो ऐसा कोई चैलेंज आया नहीं, लेकिन मैं ऐसे पूरा गाइड करके ही करता हूँ। मेरे को 1 साल से पहले आप छेड़ते हो तो फिर इसके अंदर इन्वेस्ट करने नहीं, आपको अगर आरडी करनी है तो 1 साल तक मेरे को बिल्कुल नहीं छेड़ोगे आप। राइट, और मैंने मेरे अपलाइन से ये गोल किया है कि मेरे को 3 महीने के अंदर डायमंड बनना है। ओके,
तो ये आपने जो 3 महीने के अंदर डायमंड बनने का गोल किया है, फिर वो गोल के चक्कर में आप लोगों को गलत भी बोल सकते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर। ओके, ये भी मैंने एक प्लान किया है कि चाहे भाई 3 महीने की जगह 6 महीने क्यों नहीं लग जाए, लेकिन मेरा गोल है, लेकिन मैं 3 महीने के अंदर अंदर पक्का बन जाऊंगा सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे गाइडलाइन से बनूंगा सर। मेरा का टर्नओवर क्वालिफाई करने के लिए आप 3 महीने का अपने प्लान बना लिया, उसके अंदर आप उसको क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आप किसी को कोई गलत कमिटमेंट नहीं करेंगे, किसी को लालच नहीं देंगे। लालच नहीं देंगे सर। यानी जो 32 लोगों के आपने अकाउंट्स बनाए, उन्होंने पूरा सिस्टम को समझ लिया और उनको ये पता है कि हम क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, और क्रिप्टो रातों रात बढ़ता नहीं है, राइट? यस सर। उसको समय लगता है उसको ग्रो होने के लिए, क्योंकि एक एसेट है, और ये माइंडसेट से अगर हमने आगे काम किया तो आपके साथ जो कम्युनिटी बिल्ड होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ खड़ी हो जाएगी। यानी वो बिल्कुल शादी के फंक्शन में जाएंगे अपने रिलेटिव के यहाँ पे, राइट, या कोई भी फेस्टिवल में किसी के पास जाएंगे तो जरूर बोलेंगे कि हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट किया है, ये प्रोडक्ट बाय किया है, और ये आपको भी लेना चाहिए, और हमारे सीनियर है, मैं बजरंग जी का नंबर आपको देता हूँ, आप इनको मिल लीजिए। तो जब ये रेफरेंस मार्केट से हमें मिलेगा तब हम इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने वाले। बिल्कुल, राइट। लेकिन हमने 5, 10, 20, 25, 50 अकाउंट आज किसी के बनाए और उनके हम फोन नहीं उठा रहे, राइट? यस सर। वो इंसान तो बोलेगा मैंने गलती की, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो हमें वो काम नहीं करना है। आज मान लो कि आप महीने का 25,000 रुपया कमाते हैं जॉब करके, फॉर एग्जाम्पल। यस सर। आपको एक एडिशनल इनकम की जरूरत है क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, राइट? तो आपको फिर दोबारा 25,000 की इनकम के बारे में सोचना है, ना कि 25 लाख रुपए की इनकम के बारे में सोचना है। जब आप एडिशनल 25,000 का इनकम ऐड करेंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ सकता है बाद में, लेकिन हम क्या सोचते हैं, इंदा जी का इनकम तो महीने का 10 लाख आता है तो मेरे को भी 10 लाख आना चाहिए। तो फिर आप इंदा जी को पूछते कि आप बताओ 10 लाख रुपए कैसे आएगा, तो क्या बोलेंगे, बड़े बड़े लोगों के पैसे लेके आओ, राइट? तो उससे आपको बड़ा कमीशन आएगा। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को गलत कमिटमेंट करेंगे जिससे लोग पैसे लगाएंगे और फिर वो पैनिक हो जाएंगे। तो हमें अभी इनिशियल स्टेज पे लोगों के छोटे अकाउंट्स बनाने और उनको क्लियर मैसेज देना है कि 12 महीने आप इस पॉइंट को मिंट करते हो और उसके बाद अगले 12 साल इस पॉइंट को आप अपने पास होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये आपका फ्यूचर कैसेट है। तो ये उसके दरमियान आपको कभी भी अच्छा ग्रोथ दे सकता है। यस सर। तो आपको मार्केट को स्टडी करना और कंपनी को स्टडी करना है कि कंपनी क्या कर रही है मार्केट के अंदर, कंपनी का डेवलपमेंट क्या है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या ये कंपनी के प्रोजेक्ट से, कंपनी के डेवलपमेंट से ऐसा लगता है कि ये कंपनी अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 25 साल मार्केट में चल सकती है। तो जब हम लगेगा तो हमारा विश्वास ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, फिर मार्केट कहीं पे भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हम अपने क्वाइन को होल्ड करेंगे अगले 5 साल, अगले 10 साल के लिए। यस सर। तो इस तरह से हमें काम करना, एज अ डिजिटल एंटरप्रेनर, एज अ नेटवर्क लीडर, हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे तो हमारा हर कस्टमर हमारे साथ सेटिस्फाई रहना चाहिए। yes. तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए किया, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया। लेकिन अगर हमने पिछले कुछ महीनों में कुछ गलतियां भी की है तो उससे हमें सीखना है, जो पैनिक लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करनी है कि आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया, इसको आप अगर होल्ड करेंगे तो ये आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। yes, आप कन्विंस करेंगे तो 100% वो मान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया है। अब जैसे वो क्रिप्टो में आ गए तो क्रिप्टो के बाजार को देख रहे, तो थोड़ी बहुत उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, नॉलेज आ गया मार्केट का, तो वो समझने की कोशिश करें। लेकिन इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में होगा। यस। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने 3 महीने के अंदर डायमंड जाने का प्लान किया है, अभी आपने पूरे सिस्टम को समझ लिया है। आपने अपने डैशबोर्ड पे KYC कर लिया क्या? आज करूंगा सर, बोल। आज आपको KYC करना है, और आपके साथ जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है उनकी सबके कंपलसरी अगले 2 दिन के अंदर KYC करवानी है। ओके सर। क्योंकि उनका कमीशन KYC के बाद ही विड्रॉ होगा, अगले 24 घंटे में कभी भी ये मॉन्डेटरी हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत बधाई बजरंग जी आपको, आपकी पूरी टीम को। ओके सर, थैंक यू।
राजेंद्र पटेल सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं राजेंद्र पटेल सर, बालाघाट एमपी से बोल रहा हूँ सर। ओके, तो बताइए जरा अपने बारे में, आप पहले डायरेक्ट नेटवर्क के बिजनेस में पहले से है या फिर अभी अभी आए इस इंडस्ट्री में? सर मैं 2010 से नेटवर्किंग में आया सर। ओके, तो अभी फुल टाइम है या पार्ट टाइम करते हैं आप? फुल टाइम सर, फुल टाइम। ओके, तो बाकी सारे काम अपने छोड़ के अभी इसी काम को फुल टाइम बना दिया? जी सर, इसको अभी सारे काम छोड़ के कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरा 2010 के पहले बस का बिजनेस था। ओनर में लगभग 1 से 10 बस बनाया था। ओके, मेरे साथ एक हादसा कर दिए थे लोगों ने, यानी पाइजन दे दिए थे, मेरा बस का बिजनेस बैठ गया। 4 महीने में बीमार रहा। ओके, उसके बाद में फिर जब ठीक हुआ तो मेरा बहुत नुकसान हो चुका था। राइट, तो मैंने सोचा कि यार ऐसा बिजनेस क्यों करे जिससे अपने शरीर को नुकसान हो। बसों का काम बंद किया सर, उस बीच में खाली हो गया, यानी एज से भी नौकरी से भी हाथ धो बैठे थे, इधर उम्र बस के बिजनेस में। तो मैंने नेटवर्किंग का एक आरसीएम करके कंपनी था, वहां से सर अपनी जनरी। ओके, तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग का आपको काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, 2010 से आप इस इंडस्ट्री में हैं, राइट? लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है। यस सर। तो 12 साल के एक्सपीरियंस के अंदर आपका कितना विश्वास है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के ऊपर कि इसमें लोगों की जिंदगियां बनती है? 110% सर, क्योंकि आपने कई सारी सक्सेस स्टोरीज मार्केट में देखी होगी पिछले 12 साल के। जी जी जी, कई बार देखा और अच्छे मुकाम पे भी पहुंचा सर, अच्छी अच्छी कंपनियों में, पर कंपनी को कर दिया। नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर आपने कई सारे लोगों को देखा होगा। जी जी जी, जिन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। यस सर, यस सर, राइट। क्योंकि हमारे लिए हमेशा कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है। यस सर, वजह से हम मोटिवेट होते। जी जी, तो आपने ऐसा कई सारे लोगों को देखा होगा। उसका मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के ऊपर विश्वास है, इसलिए आप 12 साल से फुल टाइम बिजनेस को कर रहे हैं। यस सर। तो आप क्रिप्टो बाजार को कब से जान रहे हैं? क्रिप्टो बाजार को सर, मैं तो वैसे बिटकॉइन को 2010 में मेरे पास आया था, पर उस टाइम अपने को समझता नहीं था कुछ भी। राइट, बिटकॉइन 1 रुपए का जब था, तो मित्र ने भोपाल में हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने 70 लाख के बिटकॉइन खरीदे थे। ओके, तो पूछे कि पटेल साहब आप भी 1.5 लाख के खरीद लो। पैसा था पर अपने को वर्चुअल करेंसी समझती नहीं थी। तो ऐसा चलते रहा सर, इसके बारे में बहुत लोगों ने बोले पर अपने को समझता नहीं था, इसलिए हमने इसको ध्यान नहीं दिया। और अभी जब जैसे ये क्वाइन आया मेरे पास, ये बिजनेस आया, तो मैंने देरी किया, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया। तो अभी 3 माह हुआ है सर कंप्लीट, और 3 माह में लगभग 200 लोगों का ग्रुप हो गया है मेरा। और तो ये जब आपने पहली बार बिटकॉइन के बारे में सुना था, उसके बाद जी ब्लैकचेन वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म आपके पास आया, उसके बीच में कभी आपने क्रिप्टो नहीं खरीदा था? नहीं सर। अच्छा, सिर्फ आपने उस वक्त सुना था, उसके बाद नहीं खरीदा था? ट्रेडिंग वगैरह के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था सर। ओके, यानी आपने एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट वगैरह बना दिया था? जी जी, वेजीरेक्स में खरीदी बिक्री करता था थोड़ा बहुत, पॉइंट ये वो सब अपना करके, पर उतना समझ में नहीं आ रहा था। यानी ऑलरेडी आपने वेजीरेक्स पे अकाउंट बनाया था, आपने क्रिप्टो बाय किया था, यानी आप क्रिप्टो को समझ रहे थे। जी जी, समझ में आ गया था। जी जी जी, राइट। तो उसके बाद फिर आपको ये प्लेटफॉर्म समझ में आ गया? जी सर। डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो का अच्छा जानकारी आपके पास है, तो आपका आपका खुद का क्या व्यू है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए एज ए डायरेक्ट सेलिंग लीडर, आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले, तो आपके पास जो क्लाइंट बेस है, राइट, तो ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़ा काम करना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो क्लाइंट बेस अभी आपके साथ में है। यस सर। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्रिप्टो खरीदने के बाद उस क्रिप्टो को कितने समय के लिए होल्ड करना चाहिए? अपने कंपनी के हिसाब से सर, कम से कम 1 साल तो होल्ड करना चाहिए, 2 से 3 साल कम से, पर और हम क्लियर चीज बता के लाते हैं सर लोगों को कि भाई इसमें जो पैसा है अपने पास वो लगाएं, ना कि अपने अगले महीने 12,000 मकान की किस्त देना है या गाड़ी की किस्त देना है, ये अपन पैसा ना लगाएं, बिल्कुल साफ बता के। और 1 यूरो का पैकेज ज्यादा सेल कर रहे हैं सर हम, लोगों को क्लियर बता के, और कोई लाइबिलिटी रहे हमारे ऊपर हमको ना बोले कोई, इसलिए कि अपनी रेपुटेशन है जिले में, 2-4-5 जिलों में हमको पहचानते हैं लोग, उस हिसाब से कर रहे हैं सर, और किसी का 1 रुपए का नुकसान भी नहीं होना चाहिए।
साहब के लिए बता के लाते हैं सर। और बढ़िया, कई बार लोगों के, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कई बार लोगों के ग्रुप में मैसेजेस आते हैं सर, हमने 5 लाख रुपया कर्जा लेके लगाया, जी जी 1 लाख रुपया कर्जा लेके लगाया, अभी हमने वो पैसा ब्याज पे लाया था, उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है, जी सर, तो हमें बोला था महीने का इतना रिटर्न आएगा, राइट। तो इस तरह के गलत कैलकुलेशन मार्केट को पैनिक करते हैं। यस सर, यस सर। और फिर इस तरह से गलत तरीके से पैसा लगाने के बाद वो इंसान क्या करता है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस पॉइंट को कोई भी रेट में बेच देता है। जी सर। मान लो कि आपने 5 लाख रुपया ब्याज पे लाया किधर से, तो यानी हर महीने आपको ब्याज चुकाना है जब तक आप 5 लाख रुपया वापस नहीं करते। और आपको जो कैलकुलेशन दिया था वो कैलकुलेशन अभी उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, जी, तो आपका जो रिटर्न है वो कम हो गया। यस सर। तो आपका कैलकुलेशन पूरा का पूरा बिगड़ गया। अब आपकी मजबूरी हर महीने आपको उस पॉइंट को बेचना पड़ रहा है, तो आप कोई भी रेट को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी। और सब मैक्सिमम लोग ऐसा करेंगे तो मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड घट जाएगी और कॉइन का रेट गिरना शुरू हो जाएगा। यस सर। तो ये होने का कारण ये कि पैनिक पोजीशन या गलत सेलिंग। जी राइट सर। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। एक बंदा था अपने डाउट, उसका अपने 2A पे बना दिए थे, और उसने क्या किया, मेरे से पूछा नहीं, और वो मोबाइल को बेच दिया किसी दूसरे को, और वो मोबाइल जिसको बेचा था उसने फॉर्मेट करवा दिया। बराबर। तो अभी अब उसका 2A पे यानी आईडी ओपन नहीं हो रही, उसका कमीशन बहुत बन चुका है। तो रास्ता बताइए सर, क्या करें, कैसा करें? उसका रास्ता सपोर्ट में जाके कंपनी को मेल करना है जी, पर वो सर 2FA को हटाना है सर। उसका मेल है, उसको पासवर्ड भी नहीं मालूम है, तो सपोर्ट कैसे करे? इसका पासवर्ड मालूम नहीं है, जो ईमेल लगी उसमें आईडी में। नहीं नहीं नहीं, आपका ईमेल, अच्छा वो ईमेल भी उस मोबाइल के अंदर होगा। जी जी जी। हाँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ईमेल आईडी तो क्रिएट कर देते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। हाँ, वो किसी ने बनाया, उसको खुद भी पता नहीं किसने बनाया है। लेकिन उसका सोल्यूशन है, उनका ईमेल आईडी तो उनके पास लिखा हुआ होगा। यस सर, लिखा हुआ है। राइट। तो आप गूगल पे जाके उसको रिकवर कर सकते हैं, ईमेल आईडी को और उसके पासवर्ड को, और फिर वहां से फॉरगेट पासवर्ड करके यहाँ पे प्लैटिनम वर्ल्ड के डैशबोर्ड पे आके वो सारा प्रोसेस आपको किसी के साथ टेक्निकली बैठ के करना पड़ेगा। जी सर। वही आपके अपलाइन कौन है ऊपर, डायमंड अपलाइन? डायमंड अपलाइन तो सर रकलाल साहू है। हाँ, और उन्होंने काम छोड़ दिया है, ये दूसरा काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसके ऊपर और कौन अप्लाई नहीं जो यहाँ पे एक्टिव है? मिस्टर इकबाल खान सर, रायपुर। ओके, तो उनसे बात कर लो, वो आपकी मदद करेंगे। जी सर। जो आपके ऊपर कोई ना कोई एक अपलाइन है जो एक्टिव है, आप उनसे मदद ले लो, किसी ने आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाया है और वो काम नहीं कर रहे। यस सर। राइट। तो उनसे आप मदद नहीं ले सकते, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म समझ में आ गया, तो आप अपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ जो एक्टिव है। जी सर। और मैं कंटिन्यू सर आपकी 3 माह से कंटिन्यू डेली सुबह और शाम की मीटिंग अटेंड करता हूँ। बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई सर आपको। तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करवा दीजिए किसी भी एक अपलाइन के साथ कनेक्ट। जी सर। ओके ओके जी। ओके, थैंक यू सर। दिगंबर शर्मा सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप, कौन सा सिटी से? सर मैं पलवल सिटी से बोल रहा हूँ सर। ओके, तो आपने इस प्लेटफॉर्म को कब ज्वाइन किया, कितना टाइम हुआ? सर मुझे 2 मंथ हो गए हैं कल, और अच्छा। इस सर 2.5 साल मैं नेटवर्किंग में रहा हूँ। बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें काम किया पर लेवल पे, 500 की टीम थी सर वहाँ पे मेरी। तो नेटवर्क के बिजनेस में आप फुल टाइम करते हैं या कोई बिजनेस या जॉब भी है आपका साथ में? नहीं सर, फुल टाइम हूँ मैं। अच्छा, फुल टाइम करते हैं। जी सर। ओके, तो क्रिप्टो के बारे में आपका क्या व्यू है? सर क्रिप्टो के बारे में सुना तो था, लेकिन क्रिप्टो का केवल ये था कि ट्रेडिंग का बारे में सुना था कि ट्रेडिंग करते हैं कि बस परचेज कर लिया, उसके बाद रेट अच्छा चला जाता है तो सेल कर दो, लेकिन मिंटिंग और नेटवर्किंग में क्रिप्टो है, तो इस सिस्टम, इस कंपनी के बारे में, PLCL टीमा के बारे में सुना था पहली बार। जो किसी के लड़के हैं बड़े भाई, वो भी पहले मेरे साथ ही थे, और इसमें मेरे साथ ही सतीश शर्मा जी, नित्यपाल जी हमारे डायमंड हैं, तो उनके थ्रू ये पता लगा था सर। तो अभी आपने 2.5 कितना महीना हो गया आपको इस प्लेटफॉर्म पे? 2 महीने हो गए सर।
दो महीने के अंदर आपका मार्केट का एक्सपीरियंस क्या है, जब आप लोगों के पास जाते हैं या आपने जिन लोगों के अकाउंट्स बनाए पिछले दो महीने के अंदर, बहुत सारे लोगों के आपके पैनिक होके फोन आए होंगे जी, ग्रेट सर, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर मेन जो मार्केट का फ्लो है वो है सर कि मार्केट में बंदा पैसे के बदले में पैसा चाहता है, कि प्रोडक्ट पे नहीं जाना चाहता। और ज्यादातर रेशियो इसका 90% रेशियो, अगर हम 10 बंदों से मिलते हैं सर 7 से 8 बंदे एग्री हो जाते हैं सर। लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे साथ चैलेंज ये है कि 2.5 साल पहले नेटवर्किंग में काम किया तो कुछ पहले लोग हैं, तो उसकी वजह से हम जब ये प्लान लेके जाते हैं तो थोड़ा उनको समझाना पड़ता है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं वो। और अभी मेरे साथ 18-19 अकाउंट है सर, और 110 से स्टार्ट, मैंने भी 110 से स्टार्ट किया था, और आप करीब करीब 2 लाख के आसपास अपनी आईडी क्रिएट कर ली, अपनी खुद की आईडी दो सर, और मैं बच्चों के फ्यूचर के बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कमीशन से अपना खर्चा चलाता हूँ सर। ग्रेट, तो यही सेम मैसेज आप लोगों को देते हैं जो जी, आपका विजन कि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्रिप्टो एसेट होल्ड कर रहा हूँ जी, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो पैसा आ रहा है उसमें से घर भी चल रहा है और जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको मैं सेविंग में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट, मैं क्रिप्टो बाय कर रहा हूँ या मेरा फार्म का साइज बढ़ा रहा हूँ, और मेरा विजन क्लियर है कि मेरे को ये अगले 5 साल अगले 10 साल के लिए उसको होल्ड करना है जी। ग्रेट सर, बिल्कुल, क्योंकि जब सेम हमारा खुद का विजन होता है और वही विजन हम जब लोगों के सामने रखते हैं तो लोगों का भी माइंडसेट क्लियर हो जाता है, उनको भी ये लगता है कि नहीं ये लॉन्ग टर्म का सब्जेक्ट है, शॉर्ट टर्म का नहीं है, राइट। जब मैंने आज से 6 साल पहले क्रिप्टो में काम करना स्टार्ट किया 2016 में, तो मैंने देखा कि 2008 में जिन्होंने बिटकॉइन को बाय किया था, 2016 तक जिन्होंने रखा था उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमा लिया था। लेकिन मैंने 2016 से 2020 के बीच में बहुत सारे लोगों को मैं मिला, उन्होंने बताया कि मेरे पास बिटकॉइन आया था तब 10 रुपए का था, 25 रुपए का था, 50 रुपए का था, 100 रुपए का था, 1000 रुपए का था, 2000 का था, 5000 का था, 10000 का था। तो मैंने उनको पूछा कि आपने खरीदा था? मैंने बोला हाँ, उन्होंने खरीदा था, लेकिन बाद में क्या किया? बोले बेच दिया जी। अब वो दोबारा नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उसके बाद बिटकॉइन ऊपर ही चला गया, उसकी रेट बढ़ती गई, वो दोबारा नहीं खरीद पाए। क्या मैसेज मिलता है कि आपने अगर कोई एसेट खरीदा है जी और उसको आपने 5 साल 10 साल के लिए होल्ड किया है तो आपको बहुत बड़ा ग्रोथ देने वाला है जी। जैसे कि हम हमेशा एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारे गांव के आसपास की जो जमीन होती है वो आज से 10-20 साल पहले बहुत सस्ती थी, लेकिन किसी ने बेची और किसी ने खरीदी। अब जिसने खरीद के 10 साल होल्ड की उसका भाव करोड़ रुपए का हो गया, और जिसने बेची वो पछता रहा है, राइट। और किसी और को मौका मिला था उसको खरीदने का, उसके पास पैसे भी थे लेकिन उसने सोचा ये तो जंगल है, क्या फायदा इसका, इसका क्या फ्यूचर है, वो भी पछता रहा है। जिसको मौका मिला था, जिसके पास पैसे थे लेकिन उसने नहीं खरीदा, और जिसने खरीदा उसने होल्ड किया उसका करोड़ रुपया बन गया, और जिसने बेचा वो भी पछता रहा है, राइट। यानी हमेशा मार्केट हमें एक मैसेज देता है कि आप कोई भी एसेट में पैसा बनाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में ही बनता है जी। तो हम अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगले 5 साल अगले 10 साल अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, राइट, हमें एक चीज समझना है, आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी आए, आप जड़ के रैंक पे, अंबर के रैंक पे, पल के रैंक पे, आपको सिर्फ और सिर्फ उतना पैसा कमाना है जितना पैसे की अभी हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ और मुझे 25,000 रुपए मिल जाए तो मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, तो उसके बारे में सोचना है, ना कि लाखों रुपए के बारे में सोचना है, करोड़ों के बारे में सोचना है। यस सर, क्योंकि रातों रात लाखों और करोड़ रुपए नहीं आ सकता है कहीं से भी। बिल्कुल, टाइमिंग प्रोसेस है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगले 5 साल काम करेंगे तो शायद आप लाखों रुपए की इनकम में चले जा सकते हैं, 5 साल के ऊपर आप काम करेंगे तो शायद आपका लाखों का इनकम करोड़ों में भी जा सकता है। यस सर, लेकिन शुरुआत हमें हजारों से ही करनी पड़ेगी, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक छोटे इनकम से स्टार्ट करते हैं और हम ज्यादा लालची नहीं होते तो हम लोगों को लालच नहीं दे सकते, लेकिन जैसे हम लालची हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक लोगों को लालच देना शुरू करेंगे कि तुम यहाँ पैसे लगा दो, रातों रात तुम्हारे पैसे 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाएंगे, और वो गलत कमिटमेंट हो जाएंगे, किसके लिए? अपने खुद के फायदे के लिए। यस सर, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें वो लोग चाहिए जो लोग अगले 5 साल अगले 10 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। यस सर, राइट, ना कि 5 महीने में। तो अगर आज से आप अगले 5 साल इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर सकते तो 5 साल बाद आप जो अर्निंग करेंगे, जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास होगा, शायद आपको इस जन्म में दोबारा पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, वो पॉसिबल है 5 साल के अंदर, क्योंकि हमारे पास दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट है जिसका मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। हम इस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में मार्केट लीडर है,
यानी इंडिया में बैठ के वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप किसी को जानते हैं तो उसको ये प्रोडक्ट आप बताएंगे तो शायद इस प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी नहीं है। वो अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है या यूरोप में बैठा है और वो प्रोडक्ट हमारे पास है, यानी हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में कई सारे कंट्री के अंदर कई सारे लोगों के साथ मेरी बात होती है जिनको क्रिप्टो के बारे में तो पता है लेकिन उनको प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में पता नहीं है, उनको मिंटिंग क्या होता है उसके बारे में पता नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में पता नहीं, फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में पता नहीं क्रिप्टो के अंदर। और वो हम उनको समझा रहे हैं और वो प्रोडक्ट वो बाय कर रहे हैं, यानी कितना बड़ा पोटेंशियल इस प्रोडक्ट का है जिससे हम बहुत बड़ा करियर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उनको गलत कमिटमेंट कर दिया, मान लो एक अमेरिका में आदमी बैठा है, उनको बोला सर आप ये प्रोडक्ट बाय करो आपका 1,00,000 रुपया 10,00,000 रुपया बन जाएगा 12 महीने में, अब जो अमेरिका में बैठा है वो तो बेवकूफ नहीं है, वो डॉलर में पैसे कमा रहा है, राइट? तो उसको हम लालच नहीं दे सकते। यस सर। तो सेम एग्जांपल हमें इंडिया के अंदर लोगों के साथ रखना है, तो यहां पे भी हमें किसी को लालच नहीं देनी है, हमें लोगों को रियलिटी बतानी है क्योंकि हमको अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है और आपके साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो हर आदमी अगले 5 साल अगले 10 साल आपका रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो अपने रिलेटिव के पास जाके आपको रिकमेंड करना चाहिए, अपने दोस्तों के पास जाके आपको रिकमेंड करना चाहिए और ये तब पॉसिबल है जब हम लोगों के साथ कोई गलत कमिटमेंट नहीं करेंगे। यस सर। और जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है जिनके पास 2-5-10 साल का एक्सपीरियंस है उनका एक ही प्रॉब्लम है, उनको रातों रात अमीर बनना है। आज अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए तो एक ही कारण से आए कि यहाँ पे लोगों के पास बहुत फास्ट पैसा आ रहा है, तो ये सोच से आना इस प्लेटफॉर्म के लिए गलत है, मार्केट के लिए गलत है। अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे आए तो हमें पहले तो ये देखना है कि मेरी अभी घर की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, अगर मेरा 25,000 में घर चलता है या 50,000 में घर चलता है तो मुझे उतना इनकम पहले मेंटेन करना है, फिर धीरे धीरे उसको मेरे को ग्रो करना है जिससे मैं लोगों को कोई गलत कमिटमेंट नहीं कर सकता हूं। तो क्रिप्टो को समझना बहुत जरूरी है, हम क्रिप्टो बाजार के अंदर क्रिप्टो का जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मार्केट में सेल कर, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की माइनिंग होती है, इथेरियम की माइनिंग होती है, अब इथेरियम भी हमारे टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो गया, राइट? वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है लेकिन वो ट्रेडिशनल मार्केट में, यानी जिनके जेब में पैसे है, जो क्रिप्टो को जानते हैं, वो 10-20 लाख 25-50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 50-100 करोड़ रुपए इथेरियम में इन्वेस्ट करते हैं और उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं है। जैसे क्रिप्टो अगर हमें बाय करना है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सचेंज में जाके हम क्रिप्टो बाय करते, तो वहां पे कोई रिकमेंड नहीं करता, बस कोई आपका दोस्त बोलता है, कोई रिलेटिव बोलता है कि फ्यूचर के लिए क्रिप्टो खरीदो और हम फिर अपना खुद का अकाउंट बनाते हैं, उनकी मदद लेते हैं और खरीद लेते हैं, तो उससे ना उनको कोई कमीशन मिलता है ना उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। बेनिफिट आपका होता है, आपने फ्यूचर के लिए खरीदा और बेनिफिट उस एक्सचेंज का होता है जिस एक्सचेंज पे आपने होल्ड किया है, तो वहां पे किसी का कोई वहां पे हित नहीं है, बीच में स्वार्थ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्वार्थ है क्योंकि हमें कमीशन जनरेट होता है और वो स्वार्थ के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को गलत कमिटमेंट करते हैं। आप क्लियर बोलोगे ये प्लेटफॉर्म है, ये कॉइन प्रोड्यूस करके देता है, इस कॉइन को अगर आपने 1-2-3 साल होल्ड कर दिया तो आपका बेनिफिट हो सकता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का बैकग्राउंड है, ये इसका फ्यूचर है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं अकाउंट बनाने के लिए। हाँ ठीक है, उससे मुझे कुछ कमीशन जनरेट होता है। एक इंश्योरेंस का एजेंट मार्केट में जाके जब किसी को पॉलिसी बेचता है तो वो अपने खुद के बेनिफिट बताता है कि एज अ कस्टमर तुमको तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हारे परिवार के लिए क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले, और वो हमें पॉलिसी कन्विंस करते हैं। तो वैसे सेम स्टोरी अगर हमने यहाँ पे यूज की, हम कस्टमर के बेनिफिट कस्टमर को दिखाएंगे और वो लॉन्ग टर्म में दिखाएंगे तो आपका किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं होगा और वो सारे कस्टमर आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपने निस्वार्थ उनकी मदद की है, बदले में आपको कमीशन जनरेट हो रहा है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, वो समझना है। लेकिन आपने खुद के कमीशन के लिए दूसरों को लालच देके गलत कमिटमेंट करके उनके पैसे नहीं लगाने। यस सर। हमने 6 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, 6 साल बाद इस प्लेटफॉर्म पे मैं डेली यही बोलता हूँ कि 12 साल बाद भी यही मिलेंगे सुबह उठ के, क्योंकि हमने किसी को लालच नहीं दे दी। अब जो लोग ग्रुप में मैसेज डालते, मैंने तो यहां वहां से उठा के पैसे लगा दिए थे, मेरे साथ तो कमिटमेंट गलत किया गया था, कमिटमेंट की जिसने और आपने पैसे लगा दिए क्योंकि आपको लालच आ गई, तो दोनों उसमें गुनेगार है, जिसने लगवाए वो नहीं, जिसने लगाए वो सबसे बड़ा गुनेगार है क्योंकि आपने लालच में लगा दिए। दुनिया के बाकी धंधे के अंदर तो इतना फास्ट ग्रोथ नहीं मिलता आपको,
तो फिर यहाँ पे आपको कैसे विश्वास हो गया, फिर कैसे आपने मार्केट से अनाप शनाप पैसे उठा के लगा दिए? तो दूसरे को ब्लेम करने से पहले खुद के बारे में सोचना जरूरी है। आपने लालच की, आपने पैसे लगा दिए और आपको अभी आपका ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो आप दूसरे को उंगली दिखाते हो। यही पैसा आपने एक धंधे में लगा दिया होता और आपका धंधा नुकसान में चला जाता तो आप किसको उंगली दिखाते? तो हमने गलती की है तो हमें दोबारा उस गलती को सुधारना है कि हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 5-10 साल काम करना है और 5 साल हम काम करेंगे तो हम 100% उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो हमारे सपने उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन 5 महीने में आप पूरा करना चाहते तो फिर वो कांच का घर बन जाएगा और सारे लोग आके उसको पत्थर मारेंगे। तो लॉन्ग टर्म में हमें काम करना है, जेन्युइनली काम करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ काम करना है जिससे हम लंबे समय तक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते। यस सर। तो अभी और क्या चैलेंजेस है आपके साथ मार्केट में जब आप जाते हो? सर मेन अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने जो फील किया है सिस्टम में देखा कि सर पहले ना इस सिस्टम को उसको समझना पड़ता है कि सिस्टम है क्या, मार्केट का फ्लो क्या है, क्योंकि मैंने भी 1-1.5 महीने पहले सिस्टम को समझा, विजन देखा। और जो सबसे प्लस पॉइंट लगा सर मुझे इसमें कि जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर, 11 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ये एक आगे एक फ्यूचर है इसमें, एक पोटेंशियल ज्यादा है कि आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो इतना भी अल्टीमा है वो सारा उसमें लगेगा तो अल्टीमा का रेट अपने आप जाएगा। तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा सर, और मेन पेशेंस का ही धंधा है मेन। ये यहाँ पे जल्दीबाजी में कुछ लीडर आए थे मेरे साथ में जिन्होंने 2-2.5 लाख रुपए लगाया, फिर कह रहे मंथली वो अपना पे आउट, तो मुझे ऐसा दुख होता था जैसे मेरा पैसा जा रहा। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज होल्ड कीजिए, इसे थोड़ा पेशेंस रखिए, ये मार्केट फ्लो है ये जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, बोले देख लेते हैं, तो उनकी ज्यादा मजबूरी थी। तो कुछ लीडर आते हैं जो पेशेंस नहीं रख पाते सर, और मार्केट का फ्लो बिल्कुल पॉजिटिव है सर, बस लोगों को समझाना है, आगे विजन उनको क्लियर करना है। और विजन यही है सर, दिसंबर से पहले पहले मैं डायमंड निकल रहा हूँ इसे, और सभी अपलाइनों का साथ मेरे साथ है, और बहुत बड़ा काम करना सर। और आपके उमरा होटल में आपसे मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग गए थे उसमें सर। एक कहानी हमने कई बार सुनी है जी सर, दुनिया का जो 100% पैसा है राइट, वो दुनिया के 5% लोगों के पास है जी सर, और बचा हुआ 5% पैसा दुनिया के 95% लोगों के पास है, जिसमें हम आते उस कॉम्पिटिशन में हम खड़े हैं। अगर भगवान ने एक बार ऐसा कर दिया कि सारा पैसा इकट्ठा करके पूरी आबादी को एक जैसा बांट दिया और बोले जाओ आप जिंदगी जी लो, मुकेश अंबानी के पास से पूरा पैसा ले लिया, टाटा के पास से पूरा पैसा ले लिया, जेफ बेजोस के पास से पूरा पैसा ले लिया और सबको एक साथ डिवाइड करके बांट दिया 800 करोड़ की आबादी को पूरे दुनिया में, और 5 साल बाद फिर भगवान ने बोला जाके सर्वे कर लो मार्केट का हाल क्या है। तो फिर बाद में 5 साल बाद पता चल गया कि वो 95% पैसा जो पूरी दुनिया को एक जैसा बांटा था वो 5% लोगों के जेब में चला गया है, और बचा हुआ 5% के लिए पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। यस सर। तो ये जो कहावत है ये हम सबके ऊपर फिट बैठती है, क्योंकि हमारे पास यहां से जो इनकम का सोर्स बन रहा है उसको हम नहीं समझ रहे, और हम बहुत आसानी से हमारे एसेट को मार्केट को दे रहे, वो एसेट उन्हीं के जेब में चला जाएगा जो लॉन्ग टर्म के अंदर उसको होल्ड करके बड़ा पैसा बनाएंगे। यस सर। यानी मौका तो सबके पास एक जैसा है, लेकिन आपका विश्वास नहीं है, आपका विजन नहीं है, इसलिए डर के मारे आप उसको छोड़ देते हैं। ये आपकी मजबूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं है, अभी बीच में कोई परेशानी आ गई, पैसे की जरूरत पड़ गई, हमने कोई भी भाव में उसको बेच दिया, लेकिन उस वक्त हम अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। अगर हमने अपने इनकम को बढ़ा दिया तो हमें अपने एसेट को बेचना नहीं पड़ेगा। yes, लेकिन हम इनकम नहीं बढ़ाते, अपने एसेट को बेचना शुरू करते। तो आज हम जेड पल से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अभी अभी ज्वाइन किया है, और इनकी मानसिकता क्या है और क्या ये मार्केट में जाके क्या मैसेज दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर के रैंक पे जो लीडर्स बैठते हैं वो तो काम कर ही रहे, उनके पास अच्छे कमीशन भी जा रहे, उनके पास बड़ा बिजनेस भी है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो नई कम्युनिटी है वो मार्केट को क्या रिकमेंड कर रहे हैं और उनका मार्केट का क्या व्यू है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप जेड के रैंक पे आपने 10-20-25-50 लोगों के अकाउंट्स बनाए तो वहां से आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? जब आप मार्केट में जाते तो लोगों की मानसिकता क्या है मार्केट में क्रिप्टो को लेके,
या इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों ने कुछ सुना है, उससे आपको क्या चैलेंजेस आ रहे, तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे ताकि ग्राउंड लेवल पे आपको वो चैलेंज झेलना ना पड़े और आपको क्लियर कट एक मैसेज मिले कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल अगले 10 साल काम करना है, यानी ये प्लेटफॉर्म अगले 5 साल अगले 10 साल चलने वाला है, तो 12 महीने के अंदर अपने को अपना कॉइन बेच के बाहर नहीं निकलना है। मार्केट आपको मौका कई बार देगा, पिछले 8 महीने में मार्केट ने आपको 2 बार मौका दिया, अगले 8 साल में मार्केट आपको हो सकता है 8 बार मौका देगा, लेकिन कॉइन आपके जेब में होगा तब आपको मौका मिलेगा। यस सर, तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। जब भी कोई चैलेंज आता है, जो भी एक्टिव अपलाइन है उनके साथ आपको कनेक्ट रहना है ताकि आप उसको क्लियर कर पाएंगे जी सर, और सेम स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है, तो अगले 5 साल बाद भी आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे। आज अगर बहुत सारे लोग आपने कहा कि आपके साथ कुछ लोग जुड़े वो क्विट करके चले गए, वो क्यों चले गए, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ गलत कमिटमेंट किए, उनको जल्दी में पैसा चाहिए था और आज वो लोग उनको पैनिक कर रहे हैं, तो उनको अब ये प्लेटफॉर्म गलत लग रहा है, मार्केट गलत लग रहा है, तो ये गलती तो हमने खुद ने की है, लेकिन ये गलती अगर हम नहीं करते, हम मार्केट को समझते हैं, तो फिर लोग भी हमें पैनिक नहीं करेंगे और लोग भी मार्केट को समझ लेंगे। यस सर, राज पुरोहित सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, एफ आर राज पुरोहित पॉल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं आप, कौन से सिटी से? सर मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। ओके, तो बताइए अपने बारे में कि आप नेटवर्क के बिजनेस में कब से है या पहली बार आए हैं? मैं तो सर एक सैनिक था, आर्मी से एज ए ऑफिसर रैंक रिटायर्ड हूँ। हाँ जी, और मेरा सिक्योरिटी का काम चल रहा है। ओके, तो ऐसे ही लोगों से मुलाकात होती रहती है, ऐसे करते करते मेरी सोन मेहरा जी और मिस्टर सवाई सिंह जी से मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने मेरे को गाइड किया कि साहब ये एक अच्छा बिजनेस है और भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने भी इस बिजनेस में अपना भाग लिया अब से करीब 3 महीने पहले, और मुझे इसमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने मेरे परिवार से ही शुरुआत की साहब। ओके, सबसे पहले मैंने करीब करीब 2 अल्टिमा मेरे परिवार से ही खरीदी है और बाकी जो मित्रगण और जान पहचान वाले हैं उनको समझाया और उनको मैंने यही कहा कि ये नहीं कहना कल कि भाई आपने जमा कराया भाव कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये भविष्य के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी मैंने उन लोगों को वापस आज फोन करके बताया कि जैसे 100 मीटर की रेस के लिए स्टार्ट पॉइंट पे जाते हैं, वैसे अभी अल्टीमा 100 मीटर की रेस के पॉइंट पे पहुंच गया है, अब यहाँ से छूटने वाला है, आप इसका इंतजार करो और भविष्य में जल्दी से जल्दी, ये नहीं कि हम बेच रहे इसको, ये बहुत आगे फायदा देगा और इसके लिए आपको और आगे तरक्की के लिए आगे ये खरीद करते रहना है और जिससे अपने को आगे का भविष्य उज्ज्वल करने में मदद मिले। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है? जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है? जी सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहली कोई जानकारी थी आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले? पहले सिर्फ उसका सुनते रहते थे ऐसे, वैसे मैंने कोई बिजनेस नहीं किया नेटवर्क का, लेकिन मेरे यहाँ कोई एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है बंदा, वो 4-5 साल से इस काम को सीख रहा है और कर रहा है। ओके, तो उसने मुझे कोई कंसेप्ट ला के दिया था, तो उसको भी मैंने किया था और उसमें भी बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है, लेकिन उसमें क्या सर महीने की हर 11 तारीख को क्लोजिंग होता है और जो भी हिसाब किताब होता है हर महीने अपने उसमें आ जाता है वॉलेट में, अगर अपने को बेचना है तो बेचो, वो भी डॉलर के रूप में ही आता है। ओके, और जैसे अपने इसमें यूरो में भी आता है, यूरो में आता है उसमें डॉलर में आता है, तो उससे थोड़ी ये प्रेरणा मिली, बाकी इन लोगों ने समझाया तो मेरे अच्छी समझ में आई, फिर अब जो सोन जी मेरा है वो पर्व पे पहुंच गए,
ऐसे करते करते फिर उन्होंने शायद फरवरी में आपको भी जोधपुर बुलाया था, मेरा जहां तक ऐसा है। तो उसके बाद मुझे भी ये लगा कि भाई इतनी तरक्की करने वाला व्यक्ति अपने यहाँ जोधपुर में पधारे थे तो हमें इस काम को जरूर करना चाहिए। अच्छा, आप मीटिंग में थे क्या वहां पे? मीटिंग में मैं था साहब। ओके, तो फिर वहां से आपने स्टार्ट किया? जी जी, किया तो मैंने बाद में स्टार्ट है, मैंने किया करीब करीब 1 जून से। ओके, तो अभी जिन लोगों के आपने अकाउंट्स बनाए उनको आपने एक क्लियर कट मैसेज दिया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, राइट? मैंने बनाए उन्हीं के हैं जिनको ये पता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म का काम है, शॉर्ट टर्म में तो कोई भी काम नहीं होता था, राइट? गाड़ी में भी अगर गियर पहले ही चौथा लगा दिया तो वो चलेगी नहीं, पहला लगाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, तो वो वाली बात है। तो शुरुआत में आपने जो रिलेटिव्स के अकाउंट्स बनाए तो उनको आपने क्या बोला कि मेरे कहने पे पैसे लगा दो या ये क्रिप्टो मार्केट है, इसमें पैसे लगा दो जो फ्यूचर में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा? मैंने उनको ये समझाया कि मैं ये व्यापार करने जा रहा हूँ क्रिप्टो का, इसके अंदर मुझे कुछ फायदा दिख रहा है भविष्य का, राइट? आप लोग इंश्योरेंस वगैरह में उसमें लगाते हो, उसमें इतना मिलता नहीं है जैसे शेयर मार्केट है, उसमें जाते अपन तो शेयर मार्केट में लगाते रहो फिर बाद में डाउन आ जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाओगे चढ़ता जाएगा फिर धड़ाम दे दी जाएगा, तो उसमें जहां से चला वहीं घूम के वापस आ जाता है। जैसे राजस्थान में क्या करते हैं सब, हम लोग एक्सरसाइज करते थे तो रात में बिना किसी आदमी की सहायता के जब कंपास लेके घूमने जाते थे तो थोड़े पे जहां स्टार्ट किया वही घूम के वापस आ जाते, तो बोलते ही तो वही जगह, बोला हाँ भाई वही जगह। तो सारा तो किसी का चाहिए सर, इस हिसाब से मैंने उन लोगों को समझाया कि भाई जो व्यापार करना है उसमें आपको आगे पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दो टाइप के लोग हमारे साथ है, एक तो हमारे साथ इन्वेस्टर है और हमारे साथ व्यापार करने वाले लोग है, राइट? दोनों के लिए भी सेम स्टोरी लागू होती है। आप एज ए इन्वेस्टर आए तो भी आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न आने वाले हैं, और एज नेटवर्क एंटरप्रेनर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो भी आप लॉन्ग टर्म में ही अच्छा पैसा कमाने वाले, राइट? तो जो इन्वेस्टर अभी आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे आए उनको आपने क्लियर कट मैसेज दिया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। दूसरी चीज, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड का मार्केट हो, या बैंक एफडी हो, या रियल एस्टेट हो, या गोल्ड हो, या सिल्वर हो, या डायमंड हो, या क्रिप्टो करेंसी, वो सारे एक जैसे, इसकी कोई प्राइस आपको लिख के गारंटी के साथ नहीं दे सकता कि आज आपने एक प्लॉट खरीदा ये अभी 10 लाख रुपए का है और ये 10 लाख रुपए का ही रहेगा, ये 10 लाख के नीचे नहीं जाएगा, राइट? ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, राइट? 10 लाख से ऊपर भी जा सकता है, 10 लाख के नीचे भी जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जैसे कि प्रॉपर्टी का ट्रेडिंग नहीं होता है, हम ऑनलाइन प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, अगर प्रॉपर्टी ऑनलाइन आ जाएगी और उसका रेट मार्केट के अंदर ऑनलाइन हो जाएगा तो उसकी भी ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाएगी, वो भी रेट ऊपर नीचे करना शुरू करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी एक फिजिकल एसेट है जिसकी ट्रेडिंग नहीं होती है, जिसलिए हमें उसका वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हुए दिखता नहीं, फर्क इतना ही है शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट और रियल एस्टेट के अंदर, राइट? तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट है जो लाइव ट्रेडिंग होता है, जिसके वजह से हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव दिखता है प्लस माइनस का। तो जो मार्केट है उस मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। हम क्रिप्टो का मार्केट है तो क्रिप्टो का मार्केट शेयर मार्केट की तरह काम करता है और शेयर मार्केट को हमने देखा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई अच्छे कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं, कंपनी तो अच्छा काम कर रही है लेकिन मार्केट में स्टॉक गिर रहा है, किसकी वजह से? रशिया और यूक्रेन के वार की वजह से, बराबर? किसी और कंट्री के साथ किसी और कंट्री का कोई दुष्पूट चल रहा है उसके वजह से। तो ये फाइनेंशियल मार्केट है, तो वहां पे मार्केट अलग है और कंपनी अलग है। तो सेम क्रिप्टो बाजार है, ये भी फाइनेंशियल मार्केट है, तो यहाँ पे कंपनी का तो ग्रोथ हो रहा है। प्लैटिनम वर्ल्ड पिछले 5 साल से लगातार अपना ग्रोथ कर रहा है, लेकिन 5 साल के अंदर प्लैटिनम वर्ल्ड ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। अब जब अगले 5 साल के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में यूज में आएगा, लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो कार्ड यूज करेंगे, मशीन से कार्ड कैश स्वैप करेंगे, शॉपिंग मॉल में जाके कार्ड स्वैप करेंगे, अब कैश कार्ड मार्केट में यूज करेंगे, उसको लोड करेंगे, उससे शॉपिंग करेंगे, उससे उनको बायबैक मिलेगा, डिस्काउंट। तो जब ये पूरे दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग ये प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो उससे कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा।
ये प्लेटफॉर्म ने पिछले 5 साल के अंदर एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, कम्युनिटी बिल्ड की है, लेकिन जब कम्युनिटी अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेगी तो यहां से इसका प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो अगले 5 साल अगले 10 साल एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लेके आएगा जिससे हम सबका प्रॉफिट होने वाला है। यानी आज हमने शुरुआत में जो कॉइन खरीदा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशियल पार्ट है जिसने एक्चुअल ग्रोथ हमें नहीं दिया, लेकिन वो एक्चुअल ग्रोथ अब हमें देने की शुरुआत कर रहे जो अगले 5 साल अगले 10 साल में मिलने वाला है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी। मैं सत्येंद्र तेवतिया को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप अगर जूम पे है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सत्येंद्र तेवतिया सर आप सुन रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जस्ट मिनट। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या आप अभी कंफर्टेबल एक जगह पे बैठे ट्रैवलिंग कर रहे हैं? यस सर। ओके, तो आपकी मदद चाहिए, मुझे अर्जेंट जाना है और आगे अगर आधा घंटा आप उस लीडर से बात कर सकते हैं। जी सर, नो प्रॉब्लम। एक मिनट और रुकूंगा सर। तो अभी आप एक काम करो, डायमंड्स के साथ डिस्कशन कर लो। सर हम कुछ क्वेश्चन आंसर और ले ले, कुछ लोगों को टेक्निकल कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो बात तो हमारी हुई गई है काफी लोगों के साथ, बात इसलिए करनी थी क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो हमारे साथ जो नए लीडर्स है जेड और पल के रैंक पे जी, उनके चैलेंजेस क्या है, उनकी क्या सोच है क्रिप्टो बाजार के आगे बारे में या प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में, वो क्या सोच रहे वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा एक्चुअल बिजनेस ग्राउंड लेवल पे राइट। अगर उनकी सोच मजबूत है, वो मार्केट को समझ रहे और सही तरीके से अगर मार्केट में जाके लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे तो फिर लॉन्ग टर्म में हम बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे गलत कमिटमेंट हो रहे या वही लोग पैनिक है जो आज जेड और पल के रैंक पे, तो फिर हमारा बिजनेस गलत डायरेक्शन में जा रहा है। लीडर्स के साथ बात किए उससे ये समझ में आता है कि सारे के सारे मैच्योर लोग हैं जो मार्केट को समझते हैं, इकोसिस्टम को समझते हैं और सही दिशा में काम करना चाह रहे हैं, यानी कोई भी गलत काम नहीं करना चाह रहे। तो मैंने आपको सर होस्ट बना दिया है, मैं अभी एग्जिट हो रहा हूं क्योंकि मुझे अर्जेंट जाना है एक जगह पे। ठीक है सर, ऑलरेडी लेट हो गया हूं मैं, तो आप प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। जी सर, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार इस सुबह के वेबिनार कॉफी विद डायमंड में। आगे की बातें करते हैं। ये साके सर के लिए सत सत नमन, जो इतनी बड़ी रैंक पे इतने सफल व्यक्ति होने के बावजूद भी हम लोगों के बीच में रहते हैं हमारा अच्छा सोचने के लिए। और इस संसार का नियम है, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो प्रकृति हमारे लिए अच्छा करती है। ये बिजनेस एक इस तरह का बिजनेस है जिस तरह हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन लोग इसे सही नहीं समझ पाते या लोग सही कमिटमेंट नहीं कर पाते लोगों से, तब जो जाके कुछ थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। मैंने अपने 2 दिन के वेबिनार में भी यही बात रखी थी कि किसी को भी गलत कमिटमेंट नहीं करनी है, लोगों को क्लियर बताना है कि ये एक हाई वॉलेटाइल मार्केट है जहां रेट का उतार और चढ़ाव बहुत तेजी से होता है। अगर आप सिचुएशन से घबरा गए
तो नुकसान उठा बैठेंगे, और अगर आपने पेशेंस संग काम लिया तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब आप लोगों को रिस्क के बारे में क्लियर बताएंगे तो कभी भी कोई बात आपके ऊपर नहीं आएगी। लेकिन कई बार आदमी अपने लालच के लिए दूसरी पार्टी को पर मंथ की इनकम के रूप में यहां बताता है, और दिक्कत वहां आती है जब कॉइन का रेट कम हो जाता है तो पार्टी नाराज हो जाती है। तो सर भैया की बात करनी है अब सबसे कि एक एफडी की टाइप का बिजनेस है, एक साल तक इसको छेड़ना नहीं है, एक साल तक जितना भी कॉइन मिंट होके आएगा वो आपकी डिजिटल संपत्ति है, असेट्स है, उसे संभाल के रखना है, और जब एक साल बाद पूरा कॉइन बन के आ जाएगा उसके बाद जब अच्छा लगे कि आज रेट अच्छा है उतना आप सेल करें। इसमें ना आपको परेशानी आएगी ना आपकी पार्टी को परेशानी आएगी। मेरे साथ सुनील बघेल जी और राज अरोड़ा जी को होस्ट के रूप में है, तो अब हम कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, और ये नई न्यूज आप सभी को शेयर हो ही चुकी है कि कंपनी ने जो टर्बो बोनस दिया था उसे अब विड्रॉ कर लिया है, और जैसे यश आके सर ने बताया कि अब से आईडी पे किसी पे भी कमीशन लेने के लिए जो पहली कंडीशन थी उसी तरह आज भी है, आपको अपनी आईडी को वेरीफाई करके ही कमीशन विड्रॉ हो सकता है। कुछ चीजें अच्छे भले के लिए आती हैं लेकिन कई बार उन चीजों का कहीं मिसयूज हो जाता है, तो कंपनी ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा टर्बो बोनस का बंद करने के लिए, तो हम उनके फैसले के साथ हैं। जो लोग डायमंड एंड अबव की रैंक पे हैं, दुबई के प्रोग्राम में जो जाना चाहते हैं और जो पिछली बार चूक गए थे या वो अब डायमंड बने हैं, तो 17 तारीख तक आप सभी के पास मौका है कि आप अपनी आईडी को खोल के ऑप्शन में जाके सेकंड ऑप्शन है माय डैशबोर्ड के बाद आवर इवेंट में जाके वहां रजिस्टर्ड का बटन आ रहा है, उसे रजिस्टर्ड में रजिस्ट्रेशन का बटन दबाएंगे, ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपसे ओटीपी पूछेगा, गूगल ऑथेंटिकेटर का ओटीपी लगाएंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं अपने आपको, आपको अपनी एयरलाइन की टिकट बुक करके जाने की और आने की फिर वहां पे आपको अपलोड करनी है। जब आप अपलोड कर देंगे तो कन्वेंशन प्रोग्राम में जाने के लिए आपका कोड QR कोड आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट करके अपने साथ कैरी करके लेके जाएंगे। जब जाने का टाइम होगा तो मैं उससे एक या दो दिन पहले एक बार पूरा प्रोसीजर और बता दूंगा सभी लोगों को, आपको यहां से क्या क्या सावधानी बरतनी है, वहां पे कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, और 24 तारीख को दिवाली का टाइम है, 23 या 24 को 22 का प्रोग्राम है, तो कोशिश करके आप 23 तक अपने घर भी आ सकते हैं। बड़ी अनाउंसमेंट होने के चांस है जिसके बाद अल्टीमा एक अच्छी ऊंचाइयों को छूने के इरादे हैं। कैशबैक प्रोग्राम अभी यूरोप के लिए लॉन्च किया है, क्योंकि प्लेटिन डील से जो सामान वाउचर के हो सकते हैं वो प्लेटिन डील से पूरे होंगे, प्लेटिन डील की सप्लाई अभी जर्मनी और यूरोप में है। जैसे धीरे धीरे फैसिलिटी इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो ये चीजें हमें भी फायदा उठाएंगी, लेकिन कॉइन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा। और अब अगले एक हफ्ते अभी अल्टीमा एक्स कॉइन से आप अपने पैकेज बाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपना अल्टीमा कॉइन या यूएसडीटी के माध्यम से आप अपना पैकेज परचेज कर सकते। कुछ लोगों के सवालों के जवाब ले लेते हैं, जो जो टेक्निकल कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अपने नाम के आगे अपनी रैंक जरूर लिखें।
राम खिलाड़ी अंबर रैंक पे हैं। राम खिलाड़ी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जो भी अनम्यूट हो वो ये जरूर बताएं कि वो कहाँ से रहने वाले, कौन से शहर के या डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, और फिर अपना फास्ट ट्रैक में क्वेश्चन पूछे, मैं ज्यादा लोगों का आंसर देना चाहूंगा। नमस्कार राम खिलाड़ी। नमस्कार जी सर जी, कहाँ से हैं सर आप? सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो ये न्यू कॉइन आया है अल्टीमा एक्स, तो उसकी सर जो रेट है वो फिक्स है या कुछ अप डाउन का है? नहीं सर, कोई रेट फिक्स नहीं है सर। नहीं सर, शुरुआत में बताया गया था कि 1,00,000 के। कोई नहीं सर, वो बताया गया था, वो गलती भी हो सकती है, जब कोई नई चीज आती है तो समझने में टाइम लगता है। अच्छा सर, जबकि आप ध्यान करो यश आके जी, और हमने कभी आपको नहीं बताया वेबिनार पे इसका फिक्स रेट है। अच्छा, वैसे जिस तरीके से अल्टीमा की है उसी तरीके से रेट उसके अप डाउन होती रहेगी? अप डाउन हो सकते हैं सर, बिल्कुल होंगे, है ना। उसकी पेयरिंग एक्चुअल देखो, वो सिर्फ हमारे फार्मिंग का कॉइन है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे समझ लो जैसे वो गेहूं है हमारे खेत का, वो पैसा नहीं है, लेकिन उसको बेच के कन्वर्ट करके पैसा बनाया जा सकता है। उसको सेल करके आप अल्टीमा कॉइन ले सकते हैं, और अल्टीमा को बेच के आप यूएसडीटी और आईएनआर बना सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमा को जब हमने अपने नेटवर्किंग सिस्टम से बाहर किया तो हमें दूसरा एक कॉइन चाहिए था जो नेटवर्किंग के लिए काम आ सके। लेकिन सप्लाई कम है तो आने वाले वक्त में रेट भी बढ़ेगा। अब लोगों ने अपना सेल किया तो रेट नीचे भी आया, तो फिक्स रेट पे नहीं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं सर आप? सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, जो ये 100% कैशबैक का बता रहे हो, वो अपने में इंडिया में सर कब तक आ जाएगा सर ये चीज? देखो सर, दो तरह का आया, एक तो आया प्रोडक्ट के लिए वाउचर, वो तो प्लेटिन डील से मिलेगा, वो तो अभी जर्मनी और यूरोप के लिए। सर जो अल्टीमा एक्स, अल्टीमा से भी बोल रहे थे उसके लिए? वही कह रहा हूँ, अभी ये कार्ड है, अभी कंपनी ने रात इनको ओपन कर दिया है। आप सभी रीडरों को बता देना चाहता हूँ, आप अपनी प्लेटिन वर्ल्ड पे जैसे अपने आईडी को लॉगिन करेंगे, उसके बाद राइट साइड में जो 3 लाइनें होती हैं ऊपर, उनको टच करेंगे तो ऑप्शंस आएंगी। ऑप्शंस में आप अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, नीचे अकाउंट सेटिंग होती है, नीचे से चौथी ऑप्शन होती है, फोर्थ शायद, अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद जर्नल का एक पेज आएगा, उस जर्नल वाले पेज में फिर ऑप्शन पे जाएंगे वो 3 लाइनों में, तो आपको ऑप्शंस आती हैं प्लेटिन हीरो, प्लेटिन डील, प्लेटिन वर्ल्ड, अल्टीमा फार्म, और वहीं एक ऑप्शन आ चुकी है, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन है, कैशबैक प्रोग्राम। तो कैशबैक प्रोग्राम पर जाएंगे तो आपकी आईडी में अब ये ऑप्शंस दिखाई देने लगी है। अभी वेट कर ले राम खिलाड़ी जी, अभी एलेक्स कल या परसों एक बड़ा कम्युनिटी के लिए वेबिनार करने वाले हैं, कैशबैक कैसे कैसे काम करेगा और कहां कहां किस किस कंट्री के लिए आएगा। आने वाले दिनों में चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, हो सकता है कुछ फैसिलिटी इंडिया के लिए भी हो, लेकिन प्रोडक्ट वाली फैसिलिटी इंडिया के लिए नहीं होंगी, वो यूरोप और जर्मनी के लिए, ठीक है ना सर? सर मेरे पास एक मैसेज आया इस चीज का, अपने गूगल का, कि आपकी ये आईडी इसको वेरीफाई कीजिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो ऐसा सर गूगल की तरफ से मैसेज आता है सर? नहीं आता सर। तो सर ये मैसेज किस तरीके से आया मेरे पास में, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ आप वेरीफाई कीजिए इसको, आपकी ये है कि नहीं? देखो सर, गूगल से आया होगा तो आपने ईमेल बनाई है कोई? हाँ सर, एक नई ईमेल मैंने अपने वाइफ के नाम से बनाई थी इसी मोबाइल पे। तो उसी का मैसेज आया होगा वो? नहीं सर, वो तो मेरी मेल के लिए बोल रहा है। तो मैसेज कहाँ है, वो आपकी मेल पे आया हुआ है? हाँ सर, मेल पे आया हुआ है। अगर गूगल की तरफ से मैसेज आया हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराने के लिए, तो हाँ सर, वो ऐसे बोल रहा है कि या तो आप उस पे आधार कार्ड सबमिट कीजिए या कुछ अपना जो भी आईडी प्रूफ हो वो सबमिट कीजिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए। आपके पास जहाँ भी कोई अपना सीनियर बंदा हो या कोई भी जानकार हो इंटरनेट का, मेल्स वगैरह का, उसे एक बार दिखा लेना, ठीक है? फ्रॉड भी होते हैं, फ्रॉड की कोई मेल ना हो दोस्त, चाहे 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन कम से कम 2 लोगों से राय लेके तब उसे करना। हाँ सर, इसी वजह से मैंने पूछा।
चलो वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अशोक चौहान जी, अपकमिंग, अपकमिंग में क्या लिखा है आपने, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अपकमिंग एमराल्ड लिखा हुआ है। अपकमिंग एमराल्ड है, अच्छा वो दिखाई नहीं दे रहा था। चलो अपकमिंग एमराल्ड साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करो। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से हैं चौहान साहब ये? सर मैं मेरठ देहात से हूँ, यूपी से। मेरठ से, ठीक है, वेलकम सर। धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया बोलने का, आज स्वागत है आपका। सभी जूम के लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत नमन। आप बताएं सर। सर क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा राय चाहिए थी आपकी, जो हमारा एक्स का फॉर्म है इसको कैसे प्रमोशन करें। देखिए एक्स के कॉइन को कैसे प्रमोशन करें, ध्यान से सुनिए। आप एक देहात के व्यक्ति हैं, किसान की आमदनी का स्रोत होता उसकी खेती, एम आई राइट? जी सर। आप एक किसान बन जाइए डिजिटल। जी। खेत खरीदिए कंपनी से एक साल के लिए, लीज में लीजिए फार्म, ठीक है, और उसमें बीज सीड लीजिए एक्सचेंज से। जी। उसको उसमें डालिए, 12 महीने उसकी फसल का आनंद लीजिए। जी। 12 महीने तक आपकी फसल वाला कॉइन और जो आपका खुद मूल कॉइन वो इकट्ठा हो जाएगा, एक फसल इकट्ठी हो जाएगी आपकी संपत्ति। ऐसा समझ लो आपके घर में खेती आ चुकी है। जी। आपने गन्ना लगाया था, पूरा गन्ना कट के आपके घर में गोदाम में आ गया है। जी। अब आपको जब भी लगे कि कॉइन का रेट बढ़िया है मार्केट में, पैसे की जरूरत है, तो उस टाइम उससे अल्टीमा बनेगा और अल्टीमा को बेच के आपका डॉलर बन जाएगा और डॉलर को बेच के आपका INR बन जाएगा। जी। तो आप लोगों को ये बता सकते हैं कि कुछ पैसा इसमें भी लगा सकते हैं। किसान क्या करता सर, किसान भी तो ऐसी करता है, जिनके पास जमीन नहीं होती वो दूसरे लोगों से पट्टे पे खेत लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जी जी, बस ऐसे यही समझाना है। या फिर डिजिटली पैसा लगाओगे तो फसल खराब होने का डर नहीं है। अभी किसानों की बारिश की वजह से बहुत फसल खराब हो गई, फायदे की जगह नुकसान हो गया, लेकिन मैं कहता हूं यहाँ वो किसान अगर कुछ पैसा लगाए, लेकिन रिस्क यहां भी है, रिस्क वहां भी है, तो यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है असेट्स के रूप में। असेट्स आपकी बढ़ेंगी अगर आप एक कॉइन लेके यहाँ पे फार्मिंग करेंगे, तो एक साल में वो 6 से 7 कॉइन हो जाते हैं, यानी कि आपकी संपत्ति 7 गुना होगी। उसे बेचकर आप अपना पैसा, जो भी कॉइन का रेट होगा, हो सकता है 2, 3, 4, 5 गुना जो भी कुछ होगा, वो आपका पैसा बढ़ सकता है। तो इस तरह प्रमोट कर सकते हैं सर लोगों को, एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर के प्रोडक्ट के रूप। ओके सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। बदरुद्दीन जी हैं एमराल्ड रैंक में। बदरुद्दीन जी आप पूछिए क्वेश्चन, कहाँ से सर ये जरूर बताना सर को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं सर? बुंदेलखंड महोबा। महोबा सुखदेव वर्मा जी की टीम से है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया सर। वेलकम सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी टीम में कुछ बंदे हैं, एक बंदे की बात करता हूँ मैं, इसका जो वॉलेट है ओपन करते समय वो 6 अंक का पिन डालते हैं, वो पिन भी भूल गए वो, और कहीं उन्होंने लिखा था लेकिन लिखा जो वो मिल नहीं रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है सर? दोनों वॉलेट और फॉर्म दोनों जो है उनको खुल ही नहीं पा रहे हैं। बड़ा टफ है सर, अगर आप पिन भूल गए हैं तो मेरे को ऐसा लगता कोई भी रास्ता आपके पास नहीं बचा। फिर भी आप एक काम करना, उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी से जी ओपन करके और कंपनी के सपोर्ट सिस्टम को जी support@platinumworld.com जी मेल करिए, और जो चीज आपने मेरे से कही है उनसे कही। जी जी। बाय मिस्टेक आई हैव फॉरगेट द लॉगिन पिन, है ना जी, ऑफ माय अल्टीमा वॉलेट एंड फार्म। जी जी। हेल्प, व्हाट कैन आई डू नाउ? अगर हो गया तो ठीक है, नहीं सर डिजिटल आइटम है, अगर कोड और पिन ही गया तो फिर बचेगा कुछ। बिल्कुल सर, एक प्रयास करके देखें बदरुद्दीन जी आप। ओके सर, थैंक यू। लेकिन ध्यान रखना उनकी ही रजिस्टर्ड मेल आईडी से जाएगी मेल। जी जी बिल्कुल। और support@platinumworld.com पे जाएगी। जी जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं सर? नहीं सर, कोई और कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन आपका था और
नॉलेज लोगों को बहुत सारा होगा इस बार। आगे बढ़ते हैं, केशव रजक जी हैं छत्तीसगढ़ से रूबी रैंक में। रजक जी आप अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से केशव रजक। वेलकम, आपका स्वागत है सर। मेरा अभी ये था रिक्वेस्ट था कि हम जो वॉलेट और फार्म का जो ब्लॉकिंग करते हैं सर, तो ये मेरे साथ हुआ है सर, आकाश सर हेल्प किए हैं, तो इसका एक वीडियो जैसे हो जाता है ना सर, तो उसमें देख देख के हम उसको कर सकते थे, जैसे किसी का हैकिंग भी हुआ है तो उसको सारी चीजें करके ब्लॉक करके आगे का जो प्रोसीजर है कंपनी से मेल आने के बाद। सर ये कंपनी ने एक वीडियो बनाया हुआ है इस चीज का जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी है इसका और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप किसी वीडियो का किसी भी वीडियो के लिंक पे जाके उस चैनल को ओपन करके और उसमें ये वीडियो देख लेना, हेडिंग में पड़ा होगा इसे सुन लेना, या किसी भी अपने सीनियर अप्लाइंस से मिल जाए तो इस वीडियो को देख लेना और यूट्यूब पे डाल के देखो आप, एक दो लोगों ने वैसे अपनी तरफ से बनाया हुआ वीडियो देखो सर, एक दो उसमें मिल जाएगा। ओके ओके सर, वेलकम सर। और कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो सर, बाकी सारी चीजें चल ही रहा है सर। अभी 19-10 को मैं भी टारगेट बना के रखा हूँ अपना, एमराल्ड के लिए लगभग 6% बचा हुआ है, डायमंड के लिए 19-10 का टारगेट बनाया हूँ। नहीं सर, बिल्कुल पहुंचेंगे, जब टारगेट बना लिया है तो पूरी सृष्टि आपके लिए काम करेगी। कुछ गलत कमिटमेंट करते हैं कुछ लोगों, तो बहुत सारे चीज को यह सर बोलते हैं कि सिस्टम पे चलो, तो हम सिस्टम में चलो, भले ही आप लोग गलत घर, मगर मैं सिस्टम में चलूंगा, मैं बोल दिया हूँ। देखो सर, सही तरीके से चलने में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई जरूर आ सकती है, है ना? बिजनेस हल्का मिल सकता है, 5 लोगों को आपको मना करनी पड़ सकती है। यस यस सर, लेकिन जो बिजनेस मेहनत से खड़ा होगा ना सर, ईमानदारी के साथ, उसकी जड़े बहुत मजबूत होंगे, जिस चीज की जड़े मजबूत होते हैं उसकी इमारत बहुत ऊंची जाती है। चलो ठीक साहब, आपने क्वेश्चन पूछा, थैंक यू। आगे नेक्स्ट लेते हैं हम, ये हैं जारना देवानी रूपी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, कहाँ से हैं आप? मैं सूरत से बात कर रही हूँ सर जी। ये आपका एक्चुअल राइट स्पेलिंग ठीक है, जारना नाम आपका? हाँ, जर्नल नाम है सर मेरा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि टर्बो बोनस आज के लिए है या आज खत्म ही हो गया है सर? मैडम ये खत्म हो चुका है, अब इसकी भी कोई कोशिश ना की जाए। ओके ओके सर, थैंक यू। जो आ चुका है वो आ गया, अब आप बिल्कुल ऑर्गेनिकली और जेनुअली सारे लोग बिजनेस बढ़ाए, प्रोजेक्ट हमारे सामने आने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने 2 दिन वेबिनार पे बोला था कि 12 तारीख से प्रोग्राम एलेक्सर का लाने का पूरा पूरा इरादा था, और कल रात 11 तारीख थी, या उसे रात को 12 बजे के बाद 12 तारीख कहो, और प्रोजेक्ट आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल। इंडिया में कौन से होंगे या बाहर कौन से होंगे वो अगले 2-4 दिन में पता लगेगा। ठीक है मैडम। ओके थैंक यू सर, वेलकम जी। लोअर हैंड कर लेना मैडम आप। आगे चलते हैं, सन्नी जी एमराल्ड रैंक, अनम्यूट करिए सन्नी जी आप। और कहां से सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका, कहां से डियर? सर मैं बड़ौदा से बोल रहा हूं, गुजरात बड़ौदा से नहीं बोल रहा हूं मैं। जी जी सर, मैंने कही टर्बो का तो जो कल रात को ही सर एलेक्स सर का मैसेज आया टेलीग्राम की ऑफिशियल चैनल पे, तो आ गया, मगर मैंने सर कल दोपहर को ही मैंने टर्बो क्वालीफाई किया, मगर उसका नहीं आया मेरे को सर। लगता है कल सुबह से या कल दोपहर के बाद में ही मतलब ये बंद हो गया है टर्बो। सर आपकी कंडीशन कंप्लीट है वैसे? कंप्लीट सर। और डैशबोर्ड पे अभी नहीं दिखा रहा है? यस सर, मैंने कंपनी आकाश राव सर से भी बारे बात किया था, मगर सर उसको उनको भी सर कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने मेरे को जो सजेशन दिया उसके हिसाब से मैंने सपोर्ट में जाके मेल डाल दिया कंपनी को,
मगर रात को 11:30 बजे अलग सर का मैसेज आ गया था, वॉइस मैसेज उनका। हो सकता है सर चांस हो कि आपका वो दे दे, आप बस मेल से उनसे अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से हाँ सर फॉलोअप पे बने रहे ना। ओके सर। और उसमें यही बोलते रहना कि आई हैव क्वालिफाइड द टर्बो एट दिस टाइम इंडियन टाइम, है ना। यस यस सर, मैंने वही मैसेज आकर सर उस अर्सन ने मैंने को जो सजेशन दिया उसके हिसाब से मैंने किया बिफोर द डिक्लेरेशन बाय द सीओ, है ना। यस यस सर, प्लीज क्रेडिट माय टर्बो अमाउंट एट माय डैशबोर्ड। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। सनी जी आगे चलते हैं साथियों। हेतल कुमार रूबी रैंक अनम्यूट करिए हेतल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर, केम छो? एकदम सर। मोजा में छो? गुजरात, गुजरात सूरत। हाँ वो नाम नाम देख के समझ गया था मैं, हेतल कुमार नाम गुजरात का ही हो सकता है। स्वागत है सर आपको, बताएं क्वेश्चन कर रहे सर। थोड़ा वो प्रोडक्ट के बारे में था, ये मुझे शायद पता तो है लेकिन 100% नहीं पता है कि जो कार्ड आ जाता है अपना डिलीवर्ड हो जाता है अपने पास, उसके बाद जो एक्टिव करने का प्रोसेस होता है वो तो कभी भी कर सकते हैं ना हम, या सिर्फ यही मंथ तक है? एक्टिव कभी कर सकते हैं पर ज्यादा लेट भी मत करना, ठीक है ना। चलो आप ज्यादा लेट मत करना सर, एक्टिव कर कभी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अमर सिंह जेड रैंक पे। अमर सिंह जी इंसान जेड रैंक पे हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप। हाँ जी सर, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी अमर सिंह जी, कहाँ से रहने वाले हैं? हम फ्रॉम पंजाब से है जी, दूसरा से लेकर मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब में मैं ट्रक ड्राइवर। अच्छा अच्छा, चलो जी आपका स्वागत है, विदेश की धरती पे भी देश का नाम रोशन कर रहे मैं छोटा सा है जी, कहना चाहता था जी आप जरा गुजरता मैं खा दू, जैसे पहले क्वेन का रेट जैसे कम होता था मालूम पीएलसी अल्टिमा का, तो जो क्वेन की कैपेसिटी होती थी क्वांटिटी बढ़ा देते थे, जैसे मान लो पहले लोड मिलता था 0.01, बाद में जब रेट कम क्वेन का डाउन हो जाता तो उसको बढ़ा देते थे। इस एक्स का नहीं क्वेन बढ़ा रहे, जैसे पहले जब ये स्टार्ट किया था 1 तारीख को तो 110 वाले फार्म में 0.002 का लोड मिल रहा हमें, तो तब उसका रेट चल रहा था 35-40 के ऊपर 35-40 पे, अब बन रहे 19। तो अब भी वही, लेकिन जो लोग इसको फार्म को ले रहे हैं फार्म का पैसा तो पूरा दे रहे हैं, लेकिन उसको क्वेन उसमें रखने का 3-4 हजार के क्वेन में वो फुल हो जाता, तो जैसे महीने का कम से कम 2-3 हजार रुपया एक बल्क उनको आ रहा है जो 110 का फार्म ले रहा है, क्योंकि उनके क्वेन नहीं मर रहे, क्वेन एल्टमा के क्वेन ज्यादा लग रहे हैं, जैसे मान लो 1,10,000 का किसने फार्म लिया, 55,000 का किसने फार्म लिया, उसको कम से कम 40 पैसे जाने के देने पड़ रहे हैं अल्टमा के, और 40 पैसे का 15 पैसे 20 पैसे का उसका हो रहा, टोटल से 60 पैसे लग रहे हैं, तो 60 के 7 गुना लगाए तो 70 से 42 उसके 4 क्वेन बनने चाहिए साल में, लेकिन बढ़ रहे उसके 1.5 क्वेन ही बढ़ रहा, तो 7 गुना कैसे हो रहा है इसका? देखो सर ध्यान से सुनो, आप पहली बात तो ये समझो कि ये ऐसी मार्केट है जहां कोई भी चीज कभी भी फिक्स नहीं रहेगी, टाइम टू टाइम बदलती रहेगी, जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं कभी वो प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाती है कभी प्रॉपर्टी महंगी मिल जाती है, एक ही एरिया में एक प्लॉट मान लो 50,000 रुपये गज बिकता है तो बराबर का प्लॉट हो सकता है 40,000 रुपये गज बिक जाता, तो इसमें आपको जिस टाइम पे आप एंट्री करेंगे उस टाइम के आपके बेनिफिट्स होंगे अगले 12 महीने के लिए, कभी मैक्स लोड आपको कम भी मिलेगा कभी मैक्स लोड ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब से एक्स कॉइन आया है मैक्स लोड सेम है, हाँ एक्स कॉइन का रेट कम ज्यादा हुआ ताकि तब वो फार्म भरने पे डिपेंड करता है, सस्ते टाइम पे फार्म भरोगे तो आपका कम अमाउंट फार्म भर जाएगा, अगर आप महंगे रेट के कॉइन पे टाइम पे फार्म भरोगे तो आपको महंगा मिलेगा। दूसरा जो मिंटिंग फैक्टर है ये
ये सर अमर सिंह जी धीरे धीरे हर महीने कम होता है। अगर आप एक्स की बात करते हैं फिलहाल तो आपका अपना मिंटेड कॉइन प्लस में आपका जो आपका खुद का मूल कॉइन है प्रिंसिपल कॉइन, वो कॉइन सात गुना हो रहा ना कि पैसा सात गुना। आप पैसे के हिसाब से देख रहे हो, हम कॉइन के हिसाब से कह रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं सर, नहीं अल्टीमा नहीं होगा ना सर सात गुना आपका एक्स। देखो सर अल्टीमा के लिए इसको सात गुना कर रहे हैं ना, हम किसी खेती कर रहे हैं जो अल्टीमा हमारा सात गुना हो। नहीं सर नहीं, पहले शुरू में जैसे हुआ था ये, आप अगर ये क्वेश्चन लेते हो। अरे दोस्त मेरी सुनो तो सही, आप सुनो तो सही सर, आपको क्वेश्चन कर दिया तो आंसर तो मैं ही दूंगा ना। अब आप अपने गलत आंसर को बार बार सही करना चाहेंगे। अल्टीमा की बात जा चुकी, अल्टीमा की फार्मिंग की कोई बात नहीं करेंगे, अब करेंगे एक्स की फार्मिंग। आज आप एक्स की फार्मिंग करते हो और 15 तारीख तक 60% है, 60% पालना, यानी 60% नहीं है, ठीक है ना? तो आपका कॉइन सात गुना हो जाता है। अब उसके बदले कितने अल्टीमा आएंगे, अल्टीमा के बदले कितने डॉलर आएंगे और डॉलर के बदले कितना INR होगा, वो सबका अलग अलग होगा। ₹70,000 में बात नहीं करेंगे, चलो कोई मुश्किल नहीं, बात करते उसको क्वेर बन के आ रहा, इतना क्वेर बन के आ रहा उसका, एक 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 साल बाद उसका 0.072 बन गया क्वेर टोटल। हाँ जी, यानी 55,000 का उसको एक एक पैसा लोड मिला, ठीक है सर, एक पैसा रख दिया उसने, 25,000 का पैसा रख दिया, तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 70,000 उसको लास्ट में एक साल बाद 0.072 जो कॉइन बना 60% के हिसाब से 0.02 बिल, वो 0.012 बना। अब ऐड कर लो आपका वो कॉइन भी, एक साल बाद वो वापस आ जाएगा जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 0.002। अब दोनों का टोटल कर दो सर, आपका कॉइन सात गुना हो चुका है 0.002 से, अब वो 0.14 के करीब हो चुका है सर, कॉइन सात गुना हो चुका है सर। उसे आप अल्टीमा में ले जाते हो, थोड़ी देर बाद भगा के उसे पैसे में ले जाते हो, वो सात गुना नहीं बैठे आपकी असेट। देखो मैंने और आपने खेत लिया, उसमें एक बोरी अनाज डाला, उसमें उस एक बोरी अनाज का मान लो सात गुना हो गया एक साल में फसल पूरा नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब उस अनाज के बदले कितनी सरसों आएगी या सरसों को बेचकर कितना पैसा लाएगा ये बात नहीं करेंगे, असेट्स की फार्मिंग मेरे दोस्त, ना कि पैसे की। चलो ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया, ये चीज क्लियर हो गई। कंफ्यूजन यही होता है जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं। एक मिनट होल्ड करना आप सभी लोग, जी नेक्स्ट चलते हैं। मैं चाहूंगा जिनकी छोटी रैंक है हम उनको ज्यादा पूछे। ओम प्रकाश साहू जी ने भी कुछ पूछा, चलो ओम प्रकाश साहू जी आपने कुछ पूछा तो आपका नंबर जरूर ले लेते हैं, हो सकता कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। अनम्यूट करिए सर, ओम प्रकाश साहू जी एमराल्ड रैंक। ओम प्रकाश साहू जी आपने रेज हैंड किया है लेकिन आप अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं।
कमलेश वर्मा सफायर रैंक पे है। हेलो, अच्छा आ गए हैं उपकार साहू जी। जी सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग जी, पूछो सर। छोटा तो बड़ा हो तो बड़ा भी पूछो, दोनों का जवाब मिलेगा। सर हमारा टर्बो चल रहा था सर, वो अधूरा है आपके लिए, उसके लिए क्या करें सर? कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ सर जो आईडी लगा चुके उसमें। कोई बात नहीं, उसका फार्म पूरा मिलेगा। नहीं, उसका टर्बो मिलेगा? नहीं, टर्बो नहीं मिलेगा, जो आपने पैसा लगाया प्रोडक्ट पूरा मिलेगा, इनाम ही तो बंद हुआ है। सर क्या हुआ है कि हमने एक दो लोग थे अपने, उनको हमने बेनिफिट दे दिया था पहले से कि आपको टर्बो का रिटर्न हो जाएगा। अब तो सर वो तो हमारा नुकसान हो गया। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ सर। देखो, एक सेल लगी हुई थी कि भाई 1000 का सामान खरीदने पे 1 किलो चीनी फ्री मिलेगी बिग बाजार में। जी, हम गए, हमने अपना 1000 रुपए का सामान लिया और काउंटर पे गए, उससे कहीं पे 1 किलो चीनी, वो कह रहा सर ये ऑफर बंद हो गया घंटे पहले। अब हम ये कहेंगे हमारा नुकसान हो गया क्या? नुकसान नहीं हुआ, 1000 का सामान हमें मिल गया, वो प्राइस जो मिलना था एक्स्ट्रा वो विड्रॉ हो गया। अच्छा, तो आपका नुकसान नहीं हुआ, वर्ड गलत बोलते हैं। हमारा नुकसान कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ, जितने का आपने फार्म लिया उतने का मैक्स लोड आपके पास, आपकी पार्टी के पास है, प्राइस मिलना था, प्राइस विड्रॉ हो गई। इतना समझने वाली बात है। आज के लिए भी सर उसमें गुंजाइश नहीं बचा है कि आज भी निकाल सकते? देखो सर, एलेक्स सर की न्यूज के अकॉर्डिंग बंद हो चुका है, आपको रिस्क लेना तो बिजनेस डाल के देख लीजिए। अभी एक साथी कह रहे थे कि उन्होंने बिजनेस डाला रात को एलेक्स सर की वॉइस नोट से पहले, लेकिन अभी तक डैशबोर्ड पे टर्बो की अमाउंट नहीं आई है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा पंगे नहीं लेने। जी सर, जी सर, ठीक है ना? जी सर, ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, कमलेश वर्मा जी सफायर रैंक, अनम्यूट करें आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, कहाँ से बोल रहे हैं जी आप? सर मैं बरेली यूपी से। जी मैडम, करें क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा कमीशन पे आउट बनता था पीएलसीयू एक्स में, जब हमें अल्टीमा फार्म में जब हम आईडी टॉप अप करेंगे सर, तो कमीशन किस में आएगा हमारा? मैडम जिस करेंसी से पेमेंट करोगे उसी करेंसी में आपका कमीशन आएगा हमेशा। तो सर आपने अभी बोला कि पीएलसीयू एक्स से बंद हो गया है पेमेंट, अभी नए फार्म खरीदने के लिए बताया मैंने। अच्छा सर, अगर नए फार्म खरीदने के लिए एक्स की पेमेंट अभी नहीं है तो एक्स से आप नया फार्म परचेज नहीं कर पाएंगे। सर कुछ कंफर्म है कब तक नहीं कर पाएंगे? एक वीक के लिए बोला मैडम, शायद प्रोग्राम के बाद ओपन होगा। ओके सर, व्हाट शॉर्ट मे बी, थैंक यू सर। जो जो पेमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं अभी, हम एक्चुअल जो कल एलेक्स सर ने कहा, उन्होंने कहा कुछ अपडेशन कर रहे हैं हम इसके ऊपर एक्स के ऊपर, तो उसे हम पेमेंट मेथड से फिलहाल हफ्ते 10 दिन के लिए हटा रहे हैं। सर मेरा तो सफायर में जो बोनस आया था वो भी अल्टीमा में ही आया सर। चलो मैडम, भी नहीं आया। आप बधाई के पात्र हैं, आपको अल्टीमा में जो आया सबसे ज्यादा अल्टीमा को बढ़ना, रात से अल्टीमा ने ताल ठोक दिए मैदान में। हाँ जी सर, बहुत बहुत बधाई। मेरा टर्बो क्वालिफाई हुआ था तो वो भी सर मुझे मिल गया था, लेकिन सर अब आज से बंद हो गया लगता है मुझे। मैडम आपको तो दो दो बधाई है ना, अल्टीमा में रिवॉर्ड आया और टर्बो भी मिल गया। चलो, आपके इसी क्वेश्चन के साथ आज के हम इस वेबिनार को यहीं पे एंड करना चाहेंगे, 9:40 का टाइम हो चुका है। सभी लोग ऑर्गेनिक बिजनेस पे ध्यान दें, जेन्युइन बिजनेस करें, किसी से कोई गलत कमिटमेंट ना करें। लोगों को इस प्रोग्राम को, इस इन्वेस्टमेंट सेक्टर को एक एफडी के रूप में बता के चलें, कम से कम 2-4 साल के लिए बता के चलें। 1 साल फार्म बढ़ेगा, कॉइन बढ़ेगा, और 1 साल के बाद फिर अगले 2-4-5 साल तक रेट बढ़ता रहेगा। जिस दिन अच्छा लगे उस दिन विड्रॉ करके अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, आज हम इस प्रोग्राम को यही एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।